हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। इससे ठीक पिछले वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में आपसे मैंने कुछ सवाल पूछे थे, क्या उसके जवाब आपको मिले? और अगर नहीं भी मिले होंगे तो टेंशन नहीं लेने का, फाइव मिनट्स इंजीनियरिंग इधर है, उसके जवाब लेके इस वीडियो में मैं आ चुका हूं। आपका कम से कम टाइम लूंगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इस वीडियो में आखिर क्या होने वाला है। आपको LSVM का एक बेसिक आइडिया दे दूंगा, लीनियरली सेपरेबल डेटा क्या होता है, नॉन लीनियरिटी क्या होती है, मार्जिन का सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीजों का जो एक प्रिसाइज नॉलेज है आप तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले भाई समझ लेते हैं ये लीनियरली सेपरेबल डेटा क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। लीनियरली सेपरेबल डेटा मतलब क्या, कि अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लॉट है, इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए, जैसे ये मेरे सर्कल पॉइंट्स है, क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स है, ये मैंने प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। अभी इसे मुझे सेपरेट करना है, डिवाइड करना है इनटू टू क्लासेस, तो मैंने इसके लिए सिर्फ खाली एक लाइन बनाई। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है ना, जिसे हम डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, हाइपर प्लेन बोलते, लाइन बोलते हैं, तो खाली मेरी एक लाइन बनाने मात्र से पूरा जो मेरा डेटा था वो सेपरेट हो गया इनटू टू क्लासेस। इसे बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा, कि आपके जो डेटा पॉइंट्स थे वो खाली एक लाइन बनाने मात्र से दो क्लासेस में डिवाइड हो गए, एक हो गया सर्कल क्लास, एक हो गया क्वाड्रिलेटरल क्लास, बेस्ड ऑन जस्ट वन सिंगल लाइन। इसे बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा। और ऐसे लीनियरली सेपरेबल डेटा के ऊपर आप लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन को अप्लाई कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन तो समझ में आ गया। अभी देखते हैं नॉन लीनियर नेचर क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है नॉन लीनियर नेचर। सी, यहाँ पे इस ग्राफ में सर्कल फैशन में, सर्कल मैनर में आपके जो सर्कल पॉइंट्स हैं वो प्लॉटेड है, बराबर। सर्कल मैनर में आपके सर्कल पॉइंट्स प्लॉटेड है और बीच में क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स जो है प्लॉटेड है, बराबर। तो यहाँ पे अभी ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये जो डेटा है, इसे मैं लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकता, दे आर नॉट लीनियरली सेपरेबल, ओके। क्यों? बिकॉज अगर मैं ऐसी एक लाइन बना देता हूँ, किसी भी एंगल से कोई भी लाइन बना दो यार, कोई भी लाइन, आप इसे लीनियरली सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% या 50% से कम आएगी। वाई? बिकॉज अगर आप इस लाइन के एक साइड में देखते हो तो वहां पे इस साइड में आपको क्वाड्रिलेटरल भी मिलेंगे और सर्कल भी मिलेंगे, तो ये तो कोई क्लास नहीं हुआ। और दूसरे साइड में आपको सर्कल भी मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी मिलेंगे, तो ये भी कोई क्लास नहीं हुआ। क्लास मतलब क्या, कि परफेक्टली इस वाले क्लास में सर्कल होने चाहिए, इस वाले में क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा खिचड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सब हो पड़ा है, दैट इज यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन होता है। जब हम ऐसे यहाँ पे जो नॉन लीनियर डेटा है उसके ऊपर हम लीनियर ऐसा लाइन बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को दो क्लास में डिवाइड सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके मॉडल की एक्यूरेसी गिर जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, इसीलिए नॉन लीनियर नेचर है, बराबर। इसके लिए फिर आगे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस क्या क्या आगे आने वाले वीडियोस में, कि कैसे इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इस डेटा को, इस तरीके के डेटा को, ठीक है। अभी आ जाते हैं मार्जिन के सिग्निफिकेंस के ऊपर। मार्जिन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे मैंने क्या किया, एक तो सबसे पहले लाइन बनाई, बराबर, ये और ये दोनों एक्स वाई प्लॉट देखो, क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स, सर्कल पॉइंट्स, सर्कल पॉइंट्स, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किसका है, हाइपर प्लेन यानी डिसीजन बाउंड्री के एंगल का। यहाँ पे हाइपर प्लेन स्ट्रेट है, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है हाइपर प्लेन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उसी के अकॉर्डिंग ये दो पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे बना दी है, बराबर। दो पैरेलल लाइंस कैसे बनती है, कि जो आपका ये पॉइंट है, बराबर, विच इज वेरी मच नियर टू द अपोनेंट क्लास, उसको छूती हुई एक लाइन बनाओ जो कि पैरेलल हो हाइपर प्लेन को। उसी तरीके से इस क्लास के भी इस पॉइंट के लिए मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि उसको जस्ट छू के निकल रही है, which is parallel to the hyperplane, because ये वाला जो point है, it is very much near to opponent class, and ये वाला जो point है, it is very much near to the opponent class, बराबर। nearest point से जो line जा रही है, उसको हमने क्या किया? parallel किया to the hyperplane, और उसका जो distance है, वो as a margin generate हुआ, बराबर। and margin मैंने पिछले वीडियो में बताया था, margin is nothing but d minus plus d plus, ठीक है? तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ये हो गया m1, okay? उसी तरीके से मैंने similarly उसी फैशन में ये भी जनरेट किया, M2 जनरेट किया। अभी कॉमन सेंस की बात है कि देख के पता चल रहा है कि भाई जो M2 है इट इज ग्रेटर देन, या फिर मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा ग्रेटर देन M1, बराबर है नहीं, M2 इज मच मोर ग्रेटर देन M1, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। तो यहां पे हम इस पर्टिकुलर डेटा को मॉडल करने के लिए कौन सा हाइपरप्लेन यूज करेंगे, क्लासिफाई अच्छी तरीके से क्लासिफाई करने के लिए कौन सा हाइपरप्लेन, कौन सा डिसीजन बाउंड्री कंसीडर करेंगे, ये वाला डिसीजन बाउंड्री या फिर ये वाला डिसीजन बाउंड्री। तो कहते क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कि जहां पे भी जो भी आप हाइपरप्लेन या डिसीजन बाउंड्री कंसीडर करते हो उसकी जो मार्जिन जनरेट होती है वो मार्जिन मैक्सिमम विड्थ की होनी चाहिए।
मैक्सिमम विड्थ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम विड्थ किसका है, M2 का है, तो M2 का है। तो इसीलिए इस डेटा को क्लासिफाई करने के लिए इनटू टू क्लासेस हम ये वाला हाइपरप्लेन यूज करेंगे, ना कि ये। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस हाइपरप्लेन बिकॉज इसका मार्जिन बहुत ही छोटा है, इसकी विड्थ बहुत ही छोटी है एज कम्पेयर विद दिस। तो इसीलिए हम लोग इसे यूज करेंगे फॉर क्लासिफाइंग द डेटा पॉइंट्स एज अ क्वाड्रिलेटरल क्लास एंड द सर्कल क्लास। बिकॉज होता क्या है, जितनी ज्यादा आप उसकी विड्थ रखोगे, जितना मैक्सिमम आप अपने मार्जिन का विड्थ रखोगे, उतना फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए वो बेटर होता है। मतलब जैसे जैसे आप न्यू पॉइंट्स लाते जाओगे फॉर प्रिडिक्शन पर्पस इन द फ्यूचर, वो और बेटर रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा अगर आपकी मार्जिन की विड्थ बड़ी रही। तो जस्ट टेक एज मैक्सिमम एज द विड्थ ऑफ मार्जिन, एंड जहां पे भी आपको मैक्सिमम विड्थ वाली मार्जिन मिल रही होगी जिस हाइपर प्लेन के लिए, जिस डिसीजन बाउंड्री के लिए, उसे आप सिलेक्ट कर लो फॉर मॉडलिंग पर्पस, फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली हाइपर प्लेन सिलेक्ट की और ये वाली हाइपर प्लेन रिजेक्ट की। क्यों ये हाइपर प्लेन इसलिए रिजेक्ट किया, बिकॉज इससे जो मार्जिन जनरेट हो रहा था वो बहुत ही, उसकी विड्थ कम थी, इसकी ज्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमल मार्जिन हाइपर प्लेन। आपकी हाइपर प्लेन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो भी आपने हाइपर प्लेन सिलेक्ट किया है उसका जो मार्जिन है वो मैक्सिमल होना चाहिए। दैट इज MMH हम लोग उस हाइपर प्लेन को बोलते हैं। मैक्सिमल मार्जिन हाइपर प्लेन शुड गेट सिलेक्टेड, बराबर वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज गुड फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शन पर्पस। वो आपकी एक्यूरेसी मॉडल की बढ़ाएगा और एरर रेट जो है उसको कम से कम रखेगा, जिसे हम बोलते हैं ना मिस क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपको एक सही वाली बात बताऊं, यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन ना के बराबर होंगे, इतना बड़ा डिफरेंस है। और अगर मिस क्लासिफिकेशन ना के बराबर होंगे या कम होंगे तो आपका एरर रेट भी कम होगा, एरर रेट कम होगा तो एक्यूरेसी रेट बढ़ेगा, और वही हम लोगों को मशीन लर्निंग में चाहिए होता है एक मॉडल से, कि भैया आप ज्यादा एक्यूरेट हो और कम एरर मुझे दे रहे हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद दिस हाइपरप्लेन। तो ये था दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन जो मैंने आप तक पहुंचा लिया। लीनियरली सेपरेबल डेटा एंड नॉन लीनियरिटी क्या होती है वो मैंने आप तक इस वीडियो के थ्रू पहुंचाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।